रियो ओलंपिक में बुधवार को हुए खेलों में भारतीय तीरंदाजी टीम से बोयमबाला देवी और दीपिका कुमारी ने सफलता हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और मनोज कुमार ने भी 3-0 से जीतकर पदक की उम्मीद कायम रखी है। आइए डालते हैं एक नजर। गोल्फ में आज अनिर्बान लाहिड़ी और SSP चौरसिया राउंड एक में नजर आएंगे जो शाम 4 बजे शुरू होगा। इन दोनों ने रियो ओलंपिक खेलने वाले 60 गोल्फरों में जगह बनाई है। बैडमिंटन में आज शाम 4:30 बजे भारतीय महिलाएं डबल्स के ग्रुप ए का मैच खेलने उतरेंगी जिसमें ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा जापान की मिसाकी और अयाका ताकाहाशी के खिलाफ उतरेंगी। वहीं शाम 5:30 बजे मेंस डबल के ग्रुप डी का मैच है जिसमें मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी का मुकाबला इंडोनेशिया के एच सेतियावान और एम एहसान के साथ होगा। महिला एकल के ग्रुप एम में पीवी सिंधु का मुकाबला कनाडा की मिशेल से और जी ग्रुप में साइना नेहवाल का मुकाबला ब्राजील की लोहानी विंसेंट से होगा। हॉकी में आज भारतीय पुरुषों के ग्रुप बी का मैच नीदरलैंड से है जो शाम 6:30 बजे होगा। मंगलवार को हुए पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। वहीं भारतीय महिलाओं के ग्रुप बी का मैच अमेरिका से है जो सुबह 4 बजे होगा। मुक्केबाजी में आज पुरुषों की 56 किलो बैंटम वेट के 32 के दौर का मैच है जो शाम 8 बजे होगा। इस मुकाबले में शिव थापा क्यूबा के रॉबजी रेमिरेज कराजना से भिड़ेंगे। शिव थापा रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से मुक्केबाजी में पदक के बड़े दावेदार हैं। तीरंदाजी के राउंड 16 में बोयमबाला देवी लैश राम का मुकाबला मेक्सिको की अलेक्जेंड्रा वालेंसिया के साथ शाम 5:56 पर होगा। वहीं दीपिका कुमारी का मुकाबला चीनी ताइपा की टैन हां टिंग के साथ शाम 5:30 बजे होगा। आज टेनिस के मिश्रित डबल्स के राउंड एक में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के एस स्टोसुर और जे पियर्स के सामने होंगे। तो आज के भारतीय मुकाबलों में बस इतना ही। आगे और भी रियो ओलंपिक की खबरों के लिए देखते रहिए DB Live।